हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हमारा 1 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हमने बताया था कि जो जो बॉडी होती है जितनी जिस अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या वेवलेंथ या लाइट को, वो कुछ ना कुछ एमिट बाहर निकालती है। अगर आइडियल होगी जो उसने एब्जॉर्ब करा है, वो ही बाहर निकलेगी। अब हम सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। नाम देखो, फोटो सनलाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है। यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट 87 एच हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले थे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे, बाहर निकले थे, तभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है सर्टेन मेटल के ऊपर, लाइक ए पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। 3 मेटल से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलते हैं जब बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर एक्सपोज होती है। जैसे आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर लाइट मेटल के टुकड़े के ऊपर आ रही है, मेटल के सरफेस के ऊपर। पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये 3 याद रखना। अब जैसे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर। पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी लगा रखी है पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले पॉजिटिव की तरफ, यहाँ लगा रखा है एमीटर। एमीटर की कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगी, तो इससे पता लगेगा भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। और बीच में क्या है, वैक्यूम चैम्बर, सारा एयर का प्रेशर निकाल रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है विद द हेल्प ऑफ सोलर लाइट या सनलाइट। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सनलाइट फॉल या स्ट्राइक ऑन मेटल। मेनली पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम 3 मेटल पे ही ध्यान देना है। एच हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इस एक्सपेरिमेंट के 3 मेन पॉइंट जो हमने रीड करने हैं वो कौन से रहेंगे, हम उस पॉइंट पे आते हैं, मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं बेटा, इनको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन का, डैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखना, फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं मेटल के सरफेस से, एसून जैसे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करते सरफेस पर, देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहाँ पर यह बोला गया कि इनके जैसे ही लाइट गिरी है मेटल के सरफेस पर, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तो ये कोई टाइम गैप नहीं हुआ। ये एच हर्ट्स के एक्सपेरिमेंट की बात थी। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की ब्राइटनेस कितनी है, चमक कैसी है, शाइनिंग कैसी है। अब ईच मेटल, जितनी भी मेटल है उनकी सबकी एक करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है, वी नॉट। मिनिमम फ्रिक्वेंसी मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। हर एक मेटल के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डाली जाती है, जिससे हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होते हैं। मतलब कम से कम उसकी ऊपर किस फ्रिक्वेंसी की लाइट डाले, सनलाइट या लाइट, कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, डैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का नाम दिया गया। अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी से नीचे कोई फ्रिक्वेंसी है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता। तो वी नॉट से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं चलेगी। हर एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, ये बेटा ये बात ध्यान देना। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, उसमें से निकलते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर बेटा 2 पॉइंट ध्यान सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बातें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड कर रही हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं
इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर। पर ये वाला एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन जो थी इसकी प्रॉपर नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका नाम सुना होगा आपने, 1905 के अंदर इन्होंने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दोबारा से रीजनरेट करा, मतलब थोड़ा मॉडिफाइड करा। वो क्या मॉडिफिकेशन थी वो हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट जो हमने नोट करने हैं, एक तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड जो वी नोट, और यहाँ पर एक मिनिमम एनर्जी का भी कंसेप्ट आता है। मिनिमम एनर्जी उसको हम W से डिनोट करेंगे, और जो W है उस वो मिनिमम एनर्जी किसके बराबर होगी, एच वी नोट, मतलब फ्रिक्वेंसी। ये एनर्जी हम E से भी डिनोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एच न्यू नोट, पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, W। ये W को नाम दिया गया है डैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, इस W के नीचे नोट लगा दो, नोट का मतलब मिनिमम एनर्जी के लिए, डैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो मिनिमम एनर्जी है इसकी वैल्यू अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग देखने को मिलेगी, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम। यहाँ पर W नोट सीजियम के लिए है 2.14, पोटेशियम के लिए 2.25, सोडियम के लिए 2.30। यहाँ पर ये बोला जाता है कि जिसका W नोट मीन्स वर्क फंक्शन जितना कम होगा बेटा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेंगे। वर्क फंक्शन का मतलब मिनिमम एनर्जी, मतलब जिस मेटल को मिनिमम एनर्जी कम चाहिए होगी उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे। तो सीजियम से जल्दी निकलेंगे, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर बेटा दो पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और सेकंड पॉइंट बताया था काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 1905 में उन्होंने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट करा। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपनी थ्योरी में प्लैंक क्वांटम थ्योरी को इन्वॉल्व करा था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो हमने E इक्वल टू एच न्यू बताई है, ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था E इक्वल टू एच न्यू, डैट इज़ द एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, और H क्या था, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये एक वैल्यू कॉन्स्टेंट है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं कि लाइट जो है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की वो मेटल के सरफेस के ऊपर जब फॉल होती है, लाइट को हमने एक वर्ड दिया था फोटोन का भी नाम दिया था, फोटोन आई थिंक यू हैव रिमेंबर, PHOTON, फोटोन। जब लाइट गिरती है मेटल के सरफेस पर तो लाइट मींस फोटोन पूरी एंटायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देती है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन डिटैच अलग हो जाता है मेटल से, और एनर्जी ऑफ फोटोन जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कहाँ लगी, इलेक्ट्रॉन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ रहता है, तो जो एनर्जी फोटोन ने दी है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए लगी होती है। इसीलिए इंसिडेंट लाइट जो लाइट गिराई जाती है वो न्यू नोट से कम नहीं होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले एच हर्ट्ज ने इस बारे में नहीं बताया था कि वो एनर्जी कहाँ जाती है, अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बताया था कि एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जाती है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, न्यू नोट डैट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थोड़ा बेटा दो तीन बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाकर ये टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पॉइंट बताए हैं वो हमें समझने जरूरी है। एक सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहता कि सेकंड पॉइंट जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू या इसको एन यू भी लिखते हैं या वी, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, ये कौन से बेटा, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो ये वाली लाइट,
तो क्या होगा? तो जब ये वाली नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तो निकलना है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब तो इलेक्ट्रॉन निकालने से भी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फाइनली क्या देखा कि यहाँ पर जो एनर्जी है ई वो ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यू नोड किसके लिए था? वर्क फंक्शन के लिए। तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला गया एनर्जी का, ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ई माइनस डब्लू इक्वल डब्लू मीन्स डब्लू नॉट वर्क फंक्शन है ये, तो एनर्जी ज़्यादा थी वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन में मिनिमम एनर्जी। तो जो इनका जब गैप निकाला गया डिफरेंस निकाला गया तो पता चला कि जो बची हुई एनर्जी है वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बन जाती है। अब जब फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, फ्रिक्वेंसी मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से लिया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, ए इक्वल टू एच न्यू और डब्ल्यू नॉट ये हमारा वर्क फंक्शन है। तो ये वाली एनर्जी जब फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते तो किसके बराबर आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, मीन्स जो बची हुई एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली हो जाती है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि जो एनर्जी अगर हम ज़्यादा देते हैं मतलब तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इससे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, पर पहले वाली थ्योरी में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बताया तो उन्होंने भी था पर मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था वहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv², एनर्जी का एच न्यू माइनस डब्ल्यू का एच न्यू नोट, यहाँ से एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है, 1/2 mv². अब यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर आपसे क्वेश्चन में वी पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हो, इसके नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, या हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, एनर्जी पूछी हो, या वर्क फंक्शन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो अगर मान लो एनर्जी निकालने के लिए पूछे, काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो, तो फॉर्मूला ये वाला भी बन सकता है। डिपेंड अपॉन सिचुएशंस जो है वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले को आप अपने माइंड के अंदर याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। बेटा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और मैं कुछ पिक्स आपको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल इस फॉर्मूले के ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हमारा था काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हर मेटल के लिए फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट अलग अलग होती है। जैसे रेड लाइट दी गई है 4.3 से 4.6 × 10^14 Hz। ये रेड लाइट जब पोटेशियम के मेटल के ऊपर गिराई जाती है, ठीक है, पोटेशियम के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। जब फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट येलो लाइट लेकर आए 5.1 × 10^14, ये फ्रिक्वेंसी की रेंज है, तो पोटेशियम मेटल के ऊपर जब गिराई जाती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से पता चला मिनिमम फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है? 5×10^14 Hz। तो मिनिमम का भी पता होना चाहिए और मिनिमम से ऊपर हमने देनी है, तो तब जाकर एल्बर्ट ने जो फॉर्मूला बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस डब्लू डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के कि कैलकुलेट एनर्जी वन मोल ऑफ फोटोन, वन मोल मीन्स एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दे रखी है 5×10^14। तो बेटा एनर्जी यहाँ पर निकालनी है, एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू नोट, एच की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है वन मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर से आप ई इक्वल टू एच न्यू, उसके आगे क्या आ जाएगा? एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल के नहीं निकालना ना बेटा, तो एक मोल एच न्यू निकाल कर उसके मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि हम पहले एक एटम के लिए निकालते हैं या वन फोटोन के लिए निकालते हैं, और वन फोटोन निकालने के बाद वन मोल में कितने पार्टिकल पाए जाते हैं? 6.02×10^23, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस यहाँ पर सिमिलर हैं, सेम है,
अब कई बार एक आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल सकता है, ई इक्वल टू एन एच न्यू। एन यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन हो सकते हैं, एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, ये क्या न्यू फ्रीक्वेंसी, एन क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन।